मुझे वैसे अच्छा लगा। आई रियली लाइक दैट पर्सनली द कलर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइस आर गोइंग गुड एंड आई एम बैक विद अनदर वीकेंड व्लॉग। सो एक्चुअली आई वाज बिजी इन माय स्टडी, दैट्स व्हाई आई वाज नॉट मेकिंग रेगुलर व्लॉग्स। और लाइक इट्स रियली टफ टू मैनेज इट कि पहले पढ़ो भी और देन इसको एडिटिंग भी करो। लाइक इट्स रियली रियली टफ टू मैनेज इट, बट मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए व्लॉग्स बनाऊँ। हियर वॉज माई मॉम टू आस्क हाउ मेनी ब्रेड्स डू यू नीड इन योर ब्रेकफास्ट। लाइक टुडे आई एम गोइंग टू ईट ब्रेड एंड एग, बट हाउ मेनी ब्रेड्स डू यू नीड, बिकॉज आई एम रियली हंग्री टुडे एंड आई जस्ट आस्क फॉर टू ब्रेड्स। ओके, सो लेट मी फिनिश माई ब्रेकफास्ट, देन आई विल मीट यू गाइज। ओके, सो आई एम डन विद माई ब्रेकफास्ट नाउ। एक्चुअली आई हैव टू डिसाइड माई आउटफिट फॉर टुडेज डे। आई एम रियली कन्फ्यूज एज आई टोल्ड यू इन माई फर्स्ट और सेकेंड व्लॉग दैट कि मुझे आउटफिट डिसाइड करना इज़ अ वेरी टफ गेम। तो अभी बस मुझे वो करना है, उसके बाद मुझे पढ़ना भी है, तो टाइम मुझे लग रहा है मेरे पास कम है और मैं फिर से वेस्ट करती जा रही हूँ। सो दिस इज़ माई बिगेस्ट मिस्टेक विच आई एवर डू इन माई हॉलीडेज। अगर आप भी इस तरह करती हो तो प्लीज़ मत करो यार, प्लीज़ मत करो। सो आई डिसाइड माई आउटफिट, लिटरली आई एम गोइंग टू वेयर माई आउटफिट आफ्टर 2 months। नहीं मतलब जो ड्रेस मैंने पहना है ना वो मैंने 2 महीने के बाद पहनना है, ठीक है। और मुझे ना लिटरली आई हेट दिस ड्रेस, बट जस्ट आई ओपन माई लो आई जस्ट ओपन माई कबर्ड, इट वॉज फ्रंट ऑफ माई व्यू एंड आई मेक पिक्चर्स इन माई माइंड कि मैं इस तरह करूँगी, ये काम करूँगी, ये काम करूँगी। मेरा बाजू थक गया यार, इस तरह कैसे पकड़ूँ मैं। सो फिर मैंने कहा कि यही ठीक है, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पता नहीं क्यों जो मुझे ड्रेस बहुत बुरा लगता है ना, समटाइम्स आई रियली लव टू वेयर इट। एंड बस मेरे ना माइंड में ये घूम रहा है कि मैंने पढ़ना है, पढ़ना आई हैव टू स्टडी, बिकॉज आई वेंट माई स्कूल आफ्टर 2 months, आई मीन 2 weeks। तो मीन्स ना 3 months की पाकिस्तान में हॉलीडेज होती हैं, वीकेंड्स होती हैं, समर वेकेशन होती हैं, तो जिसकी वजह से मैं उसके बाद भी मैंने ना 2 weeks के बाद की थी, वी वर इन इस्लामाबाद। तो ना अभी ना मुझे पढ़ना भी है, मुझे मिसिंग वर्क भी कम्प्लीट करना है। सो फाइनली गाइज आई टुक शॉवर एंड यू कैन सी माई हेयर एज वेल। नाउ आई एम गोइंग टू स्टडी और अभी ना मुझे चाहिए एक्चुअली कलर्ड पेपर, तो यहाँ से मुझे निकालनी है और उस पर मुझे काम करना है। उस पर मेरा एक दो काम है, साइंस का और इंग्लिश का मैंने आई थिंक कर लिया था, साइंस का रहता है आई गेस। सो मैंने ये येलो पेपर्स तो निकाल लिया एंड आई एम गोइंग टू वर्क ऑन दीज 2 papers। सो लेट्स गो। सो गाइज नाउ आई हैव टू स्टडी अ लॉट, सो थोड़ी सी मैं रिकॉर्डिंग हो सकता है कम कर दूँ। एंड दिस इज़ माई ऑल सेटअप, आई एम गोइंग टू डू माई वर्क नाउ विथ माई शेक। अबाउट रेबीज, रेबीज एक ऐसी बीमारी है विच कम्स फ्रॉम द रेबिड एनिमल्स, लाइक रेबिड एनिमल्स लाइक डॉग्स, कैनिमल्स, आई मीन कैट्स, डॉग्स, जो भी पेट्स हम लोग अपने घर में रखते हैं ना, उनमें अक्सर ये रेबीज डिजीज आ जाता है। और वो हमें जब वो काटते हैं, बाइट करते हैं ना, तो वो फिर हमारे अंदर चले जाता है और वो फिर बहुत बुरा होता है। सो मैंने रेबीज़ के बारे में लिखा है, ये लिखा है वो कैसे ट्रांसमिटेड होते हैं, वो किस तरह आते हैं। देन आई रोट अबाउट प्रीवेंट कि वो जो एनिमल्स होते हैं उनको क्या करना चाहिए, हमें उनको आफ्टर 4 months उनको वैक्सीनेशन करवा देनी चाहिए। देन आई रोट अबाउट ट्रीटमेंट कि अगर वो हम लोग को कर भी देते हैं कोई, तो फिर हमारी ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए, और इसकी इतनी इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं होती, ये टाइम के साथ ठीक हो जाता है, लेकिन अक्सर ये कभी कभी बहुत बुरा हो जाता है जिससे हम लोग भी अ काइंड ऑफ अ डॉग बन जाते हैं। सो गाइज आई एम डन विद माई स्टडी नाउ, आई हैव टू पैक अप माई बैग एंड ऑल्सो आई हैव टू गो विद माई डैड फॉर बाइंग माई मिसिंग बुक्स। एक्चुअली मेरी 95% बुक्स हो गई थी, लेकिन 5% मेरी रहती थी और अभी मुझे वो लेने जानी है विद माई डैड, सो लेट्स गो विद मी। गाइज आई हैव टू पैक अप माई बैग्स और मुझे ये यार चुप कर जाओ। मसला
डांस करती है, पागल हो गया लड़की। तो अभी मुझे ना ये सब चीजें, इन द बैंक, और अभी हम लोग निकल आए हैं बस, और जो चीज़ें लेनी है बहुत काम है। अच्छा आते जल्दी हो गया, काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया पहले से। शुक्र है मेरा होमवर्क वगैरह हो गया, थैंक गॉड। सो और फर्स्ट डेस्टिनेशन इज पाटा, और अभी हमने यहाँ से पक्के शूज़ ले लिए, मे बी ये यहाँ से ना लिया कहीं और से ले लें, देख ही नहीं वो इमेज है। आई डोंट नो कि वीडियो स्टोमो पे चली गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, खैर है, लेकिन मेरा गला ख़राब हो गया है। मुझे वैसे अच्छा भी लगा है पर्सनली, आई लव इट। यहाँ पर है नहीं, ये नहीं सही है भैया, नहीं सही, वो प्यारा लगा था, हाँ वो कलर भी अच्छा था, है ना। हियर आई एम, आई एम वेयरिंग माय क्रॉक्स, आई डोंट नो आई एम गोइंग टू बाय नाउ, बट आई एम जस्ट सर्चिंग फॉर इट। लुक, आई रियली लाइक दैट पर्सनली द कलर। एंड यू पे आए हैं एंड वी आर सर्चिंग फॉर एयरफॉर्स जॉगर्स, और अभी बस हम लोग देखते हैं, लेट्स सी कि हम लोग यहाँ से लेते हैं। पता नहीं लाइट को क्या होता है, कभी ट्रांसफॉर्मर में कोई मसला हो जाता है, वो कह रहे हैं 15-20 मिनट्स तक आ जाती है। और बाबा ने कहा था कि आज आपके लिए कोई सरप्राइज़ भी है, और ये है सरप्राइज़ विच इज़ माय फर्स्ट पॉकेट मनी एज आई एम इन 7th ग्रेड। बिस्किट खा रही हूं। यू आर ईटिंग बिस्किट। सो गाइस, आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और मैं एक और बात बोल दूँ, एडिटिंग ना हो सकता है ये कल चढ़ जाए, क्योंकि अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे सोना भी है, तो इसलिए मैं कहती ना इट इज़ रियली रियली टफ टू मैनेज दिस ऑल, लेकिन मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ कि मेक व्लॉग्स एटलीस्ट आफ्टर 3 days। तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मेरी वीडियो को लाइक कर दो, और सबके साथ शेयर कर दो। बाय बाय।